हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। और कंटिन्यू करेंगे हम हमारी डिस्कशन न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में। हमने लास्ट टाइम देखा था शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है और उसको कब यूज़ करना चाहिए, उसमें क्या रिस्क रहता है, और अगर आपकी स्ट्रेटेजी गलत जाती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। दोस्तों, शॉर्ट स्ट्रैडल में हम क्या करते हैं, बेसिकली एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं। जब आप कॉल सेल करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में जो वॉलिटिलिटी रहेगी वो कम रहेगी, तो डेफिनेटली आप ये स्ट्रेटेजी तभी यूज़ करेंगे जब आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अब जो मार्केट में मूव आया है वो मान लीजिए कि आपने कोई रिजल्ट के बाद कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड था या कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, तो उसके बाद मार्केट में या तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक में एक अप मूव या एक डाउन मूव देखने को मिला और उस टाइम वॉलिटिलिटी काफ़ी हाई थी, तो आप उस टाइम यह स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, जब हाई वॉलिटिलिटी सिनेरियो में आप इसको क्रिएट करते हैं और फिर वॉलिटिलिटी ड्रॉप होती है, तो आपका जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है ऑप्शन प्रीमियम का, जो एक पोर्शन रहता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो टाइम और वॉलिटिलिटी से बनता है, वो काफ़ी घट जाता है और उसके कारण आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो उसमें अनलिमिटेड लॉस है। अगर आपकी स्ट्राइक प्राइसेस ब्रीच हो जाती है तो उसमें आपको अनलिमिटेड लॉस होने की भी चांसेस है, और आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो लिमिटेड है। आपने जो कॉल और पुट आपने सेल करे हैं उसका जो आपको प्रीमियम मिला है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस करी थी और फिर मैंने बताया था कि हम आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे और फर्दर हम मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज देखेंगे। तो आज हम दोस्तों जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं वो जो हमने शॉर्ट स्ट्रैडल देखा था उसे बिल्कुल उल्टा है और इसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। तो जैसे वर्ड ही सजेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल में हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे, हम लॉन्ग रहेंगे। तो उसमें आप अगर ऑप्शन परचेज करते हैं तो उसमें जो जो रिस्क है, मान लीजिए कि टाइम डिके हो गया, वॉलिटिलिटी हो गई, वो सारे जो प्रोज एंड कॉन्स है ऑप्शन परचेज करने के टाइम आपको जो आप मिलते हैं वो सारे इसमें भी आपको मिलेंगे। तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल आपको कब बनाना चाहिए और कब लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है, तो दोस्तों जब आपको लगता है कि मार्केट में एक मेजर मूव आने वाला है, मान लीजिए कोई न्यूज़ ब्रेक होने वाली है, कोई रिजल्ट आने वाला है, और उसके बारे में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कोई इतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट बेट कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, या तो कोई स्टॉक है जो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है या सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली उसमें एक प्रेशर देखने को मिल रहा है और चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी आपको लग रहा है कि अब ये ब्रेक होने वाला है, जैसे फ्लैग होता है, पीनट्स होता है, तो उसमें आपको एक ब्रेक ऊपर या नीचे की तरफ मिलता है। तो वो सारी जब सिचुएशन होती है जब आपको लगता है कि स्टॉक या इंडेक्सेस है पर्टिकुलरली वो ऊपर या नीचे की तरफ कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है और बेसिकली जो मूव रहेगा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूव अच्छा खासा रहेगा, हालांकि आपको पता नहीं रहता है कि वो मूव अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा। तो इसीलिए ये न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में आता है और इसमें आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपका व्यू सही रहता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको बहुत ही लिमिटेड मार्जिन की ज़रूरत रहती है। तो जैसे मैंने बताया वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेशन आपकी हाई रहती है, मतलब ये वाला जो स्ट्रेटेजी है आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब मार्केट में कम वॉलिटिलिटी हो और हाई वॉलिटिलिटी आने के चांसेस ज़्यादा हो। इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं दोस्तों, बाय करते हैं एट द मनी कॉल ऑप्शन और एट द मनी पुट ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन हम बाय करते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक दोनों में से एक इतना ऊपर चला जाएगा कि दूसरे को परचेज करने के लिए हमने जो कॉस्ट लगाई थी वो भी कवर हो जाएगी और उससे फर्दर ऊपर आपने को कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली कॉल या पुट आपने जो एट द मनी में आपने परचेज किया है वो इतना बढ़ जाएगा कि आपकी कॉल या पुट की कॉस्ट, मतलब मान लीजिए कॉल की तरफ आप प्राइस आपको मूवमेंट देता है तो आपकी पुट की कॉस्ट निकल जाएगी और उससे भी ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि जब आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं तो उतने लेवल की आपको वॉलिटिलिटी मार्केट में मिलनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो मैं आपको एक रिपोर्ट डेली भेजता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि वॉलिटिलिटी का मेरा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है। तो मान लीजिए ऑप्शन एक्टिविटी रेंज आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा श्रिंकेज आपको देखने को मिल रहा है और फिर अचानक उसमें से आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स बढ़ते दिखते हैं और फिर आप उसको देखते, मतलब जैसे जैसे आप मॉनिटर करते जाते हैं उसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, तो दोस्तों ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट अब लो वॉलिटिलिटी सिनारियो से हाई वॉलिटिलिटी सिनारियो में जा रहा है। और अगर उस लेवल पे, पर्टिकुलर लेवल पे आपको चार्ट पैटर्न में भी कोई ब्रेकआउट या ऊपर या नीचे जाने की सिचुएशन आपको दिखती है तो डेफिनेटली आप ये स्ट्रेटेजी उसमें यूज़ कर सकते हैं। कौन से स्ट्राइक प्राइसेस में करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट आपको सेल करने रहेंगे, सेम पीरियड रहेगा, मतलब जिस सीरीज़ में आप ये कॉल और पुट सेल कर रहे हैं वो दोनों एक ही सीरीज़ के रहेंगे, अलग अलग सीरीज़ के नहीं हो सकते।
रिस्क मैंने आपको जैसे बताया कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं कॉल या पुट को परचेज करने के लिए, आपका मैक्सिमम रिस्क उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और इसीलिए यह स्ट्रेटेजी काफ़ी फेवरेबल है जिसके पास लो कैपिटल है और उनको मार्केट में मूवमेंट का आपको अगर बेनिफिट लेना है तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है, प्रोवाइडेड आपको आपका जो व्यू है वो सही हो, मतलब उतनी वोलेटिलिटी मिल जाएगी आपको प्रॉफिट हो जाए। लॉस इसमें कब होता है कि जब स्टॉक बीच में रह जाता है, मतलब अगर आपने मान लीजिए 9500 का कॉल और 9500 का पुट सेल करा है और मार्केट डॉट 9500 से पे क्लोज होता है तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा, उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाएगा तो उसमें आपका जितना प्रीमियम कवर हो गया उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा और बाकी का आपको लॉस होगा। तो बेसिकली आपकी एक रेंज बनती है, उस रेंज के बाहर ही मार्केट को क्लोज होना पड़ता है तभी आपको प्रॉफिट होता है। मैं आपको आगे एक एग्जांपल देके भी इसमें समझाने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे गिना जाता है। प्रॉफिट दो पोटेंशियल दोस्तों इसमें अनलिमिटेड रहता है क्योंकि मार्केट कहीं पे भी ऊपर या नीचे की तरफ कितने भी पॉइंट मूव कर सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपका कॉल में आपको बेनिफिट हो जाएगा और नीचे की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट आता है तो आपका पुट में आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है। अब ये प्रॉफिट कब होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो प्रॉफिट है वो इतना हो जाए कि आपने जो कॉल और पुट को परचेज करने के लिए आपने जो कॉस्ट इनकर करी है उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाए, या तो वो कॉल की तरफ हो या वो पुट की तरफ हो, दोनों में से कहीं पे भी हो सकती है। वोलेटिलिटी इस पोजीशन को फेवर करती है, जितनी ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी उतनी ही एक्सट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके कारण आपने जो ऑप्शन परचेज करे थे वो उसकी कॉस्ट अब कम रहेगी और मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल चीज़ है। आपने जो स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 9500 का आपने कुछ निफ्टी का आपने कॉल परचेस किया है और 9500 का पुट आपने परचेस किया है तो दोनों का प्रीमियम जोड़ दीजिए, तो 9500 में अगर सब उसको वो दोनों प्रीमियम को ऐड कर दोगे तो उसको आप उसके बाद आपको जो लेवल मिलेगा वो आपका ऊपर का लेवल मिल जाएगा। अगर आपको ऊपर की तरफ प्रॉफिट करना है तो ये लेवल को ब्रीच करना होगा क्योंकि नेचुरली अगर एक्सपायरी के दिन होता क्या है कि सीधे सीधा आपका जो स्ट्राइक प्राइसेस है और मार्केट में जो स्पॉट चल रहा है उन दोनों का डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। तो नेचुरली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हो तो आपने जो प्रीमियम पे किया है उतना अगर आप स्ट्राइक प्राइसेस में ऐड कर दें उसके बाद जो लेवल बने उस एटलीस्ट उससे ऊपर ही मार्केट ट्रेड करना चाहिए। और पुट साइड में बिल्कुल रिवर्स ही चीज़ है, आपने जो भी प्रीमियम दिया है उससे नीचे आपको स्ट्राइक प्राइसेस में से आप उतना प्रीमियम लेस कर देंगे तो उतना नीचे आपको मार्केट जाना चाहिए क्योंकि आप जब पुट परचेज करते हैं तो आप सेल करते हैं, सेल करने का राइट परचेज करते हैं तो आप महंगे में बेचना चाहेंगे और सस्ते में ख़रीदना चाहेंगे, तो जितना सस्ता होगा जितना मार्केट नीचे आएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। तो सिंपल लॉजिकल सा कैलकुलेशन है। अब इसको एक बार एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी अभी चल रहा है 9500, तो अगर आप NSE की साइट में जाएंगे और ऑप्शन एक्टिविटी रेंज ऑप्शन एक्टिविटी ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो आप में उसको मिल जाएगा कि 9500 का जो कॉल है उसकी वैल्यू 113 है और 9500 का पुट है उसकी वैल्यू 102 है। तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ रह सकती है क्योंकि 9500 के आसपास मार्केट काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसके बार इसके नीचे कई बार गया लेकिन फाइनली इसके ऊपर आ रहा है तो अब यहाँ से मार्केट में आपको एक ऊपर की तरफ का अच्छा खासा मूव मिलना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, पुट भी बाय कर लेंगे और कॉल भी बाय कर लेंगे और चूंकि आपको ये भी डर है कि 9500 एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके अगर नीचे मार्केट जाता है तो आपको नीचे काफ़ी नीचे मार्केट दिख सकता है, तो कॉल और पुट दोनों के लिए आपके पास जस्टिफिकेशन है। लेकिन आपका ये मानना है बिल्कुल है कि मार्केट इस लेवल पर नहीं रुक रहा, या तो ऊपर या नीचे आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। तो सेम चीज़ें अगर वैसा होता है और ऊपर की तरफ मार्केट अच्छा खासा बढ़ जाता है तो आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। मैक्सिमम जो लॉस आपका रहेगा वो 215 रुपये का पर लॉट आपको लॉस रहेगा क्योंकि 9500 का कॉल आपने परचेस करने के लिए 113 रुपये दिए हैं और पुट परचेस करने के लिए आपने 102 रुपये दिए हैं। तो मान लीजिए मार्केट 9500 या उसकी अपर या लोअर रेंज के आसपास ही क्लोज होता है तो आपके जो भी ऑप्शन आपने परचेस किए थे वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे और उसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा तो आप उसमें से कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट्स का जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कैसे गिनना रहता है, 9500 में अपने कॉल और पुट परचेस करने के लिए जो प्रीमियम पे किया उसको ऐड करेंगे तो आपको अपर लेवल मिल जाएगा और अगर लेस करेंगे तो आपको नीचे का लेवल मिल जाएगा। तो इस केस में आपको लेवल जो मिल रहा है वो 9285 से 9715 9285 to 9715 का लेवल आपको मिल रहा है। तो
अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट 9,285 से नीचे या तो 9,715 से ऊपर ट्रेड करता है तो ही आपको प्रॉफिट होगा। इन दो, इसमें कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर मार्केट 9,250 या 9,715 के बीच में कहीं पे ट्रेड कर रहा है तो आपको इसमें लॉस होगा, क्योंकि आपने जितना प्रीमियम पे किया वो आप कवर नहीं कर पाएंगे, और जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो घटती जाएगी ड्यू टू वोलेटिलिटी एंड टाइम डीके। तो अगर आप इसमें हेजिंग करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि आपने, मान लीजिए आपने 9,500 का कॉल और पुट परचेज कर लिया, और आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, वहाँ से उसके ऊपर या उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, तो वो दोनों स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल और पुट रिस्पेक्टिवली आप सेल कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको फिर वापस से पोजिशन, आपको कंबाइंड आपको सिनारियो देखना पड़ेगा कि आपका क्या प्रॉफिट लॉस पोटेंशियल हो रहा है, और फिर आप उसको अपना प्रॉफिट लॉस गिन के आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप सेलिंग करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ से आपने सेलिंग करी है उस स्ट्राइक प्राइसेस, अगर आपने कॉल सेल करें तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो स्ट्राइक प्राइसेस से मार्केट ऊपर ना जाए, और अगर आपने पुट सेल करे हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट उस स्ट्राइक प्राइसेस से ऊपर ही ट्रेड करे, उसे नीचे ना जाए। तो उस हिसाब से आप इसमें टोटल गिन सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजीज में हमने दो स्ट्रेटजीज जानी, जिसमें दो सिनारियोज हमने देखे। एक तो आप लो वॉलेटिलिटी में थे और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हाई वॉलेटिलिटी, जो ये लॉन्ग स्ट्रेडल वाला सिनारियो था, और दूसरा हमने जो शॉर्ट स्ट्रेडल देखा उसमें हमने देखा कि आप हाई वॉलेटिलिटी सिनारियो में थे और अब आप लो वॉलेटिलिटी सिनारियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों आप एनालाइज कर सकते हैं ऑप्शन चेन डेटा देख के। तो मैंने अपना खुद का एक टूल बनाया है जिसमें मैं एक्सेल में देखता हूँ, और जो मार्केट का प्राइसिंग है उसको मैं देख के मैं थोड़ा आइडिया लगा लेता हूँ कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन सी स्ट्रेटेजीज अभी इस टाइम एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको, और मैं उसको मॉनिटर करता हूँ। और मंथ के शुरुआत में अगर मुझे दिखता है कि 5 दिन तक वही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेड रहती है और उसमें प्रॉफिट पोटेंशियल बनता दिखता है, तो 6th दिन आप भी वो स्ट्रेटेजी ले सकते हैं और उसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। हालांकि उसमें मैं भी थोड़ा बहुत और टेस्टिंग करना चाहूँगा, लेकिन जैसे ही मेरा उसमें सक्सेसफुल रिजल्ट आएगा मैं उसमें वीडियो बना के आपके साथ सारी डिटेल उसमें शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली रिपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का मिलेगा। उसके अलावा जब भी मैं ट्रेड करूँगा तो मैं अपना ट्रेड आपके साथ रियल टाइम बेसिस पे शेयर कर दूँगा, विद स्पेसिफिक एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट विद रेशनल कि हम ये क्यों ट्रेड ले रहे हैं। तो सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा, और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा तो मुझे लॉस होगा, क्योंकि हम जो भी ट्रेडिंग करेंगे साथ में करेंगे। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।